नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे 9 मई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनके सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है? तो लिस्ट जारी की है अमेरिकन पत्रिका है फोर्ब्स, ठीक है, इसने लिस्ट जारी की, इसमें पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी है पहले स्थान पर, और इंडिया के लिए जारी की गई है रिलायंस इंडिया के चेयरमैन मुकेश अंबानी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं राधाकृष्ण दामनी, इनकी 13.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो ये अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब 2022 तक ये इस पद तक संभालेगी। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय इसका नैरोबी कन्या में है और कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो उन्होंने समाप्त किए हैं 9,304 पद। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह फैसला लेफ्टिनेंट जनरल DV की सिफारिश पर अनुरूप लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सेखटकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और संतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय को सुझाव देते हुए ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें कि औद्योगिक कर्मचारियों के 13,157 पद थे, उसमें से MES के 9,304 पद को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के पद में अजय सचदेवा, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ये भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी DPS नेगी ने, सॉरी अजय सचदेवा नहीं होगा इसमें, DPS नेगी, ठीक है, ऑप्शन बी है गलत, यहाँ पर ऑप्शन हो गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर एड आंसर होगा, DPS नेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? तो ये मिशन मोड के द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैव एवं जैविक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों को कम करने के इस्तेमाल के लिए मिशन मोड में जागरूकता अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है, यानी जैविक रासायनिक चीज़ें कम करनी, इनका यूज कम करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है? तो ये रिपोर्ट थी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ, जिसमें 12 मिलियन बच्चे थे। इनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण और 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य लॉकडाउन में स्कूली बच्चों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील का राशन जो है वितरण शुरू किया गया, ये मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान BJP से हैं, ये गवर्नर लालजी टंडन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं में खेलों के महत्व के बारे में सूचित करना है। इसको मनाने की घोषणा IAAF ने की थी। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन।
अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी, मुख्यालय मोनाको में, अध्यक्ष इसके सेबेस्टियन कोए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया आईआईटी दिल्ली के साथ में। इसका उद्देश्य है किफ़ायती, टिकाऊ और पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई सर्जिकल गाउन और मास्क बनाने का निर्माण करना है। पीपीई का फुल फॉर्म है यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। पीएनबी फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस, इसकी स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1988 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, सीईओ नीरज व्यास है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। इस योजना का इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना में जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं उन्हें त्रिपुरा सरकार के द्वारा 5,000 रुपये दिए जाएंगे स्मार्टफोन खरीदने के लिए। योगा योग योजना शुरू की है, राजधानी अगरतला है त्रिपुरा की, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बीजेपी पार्टी से हैं ये, गवर्नर रमेश बैस हैं। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य असम मिजोरम और एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है। त्रिपुरा में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा देखभाल सुनिश्चित करना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं इसके। अगर नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा तो अरविंद पनगड़िया हैं जिनका स्थान राजीव कुमार ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इरडा के नए सीएमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? इरडा के नए सीएमडी नियुक्त किए गए प्रदीप कुमार दास, ऑप्शन बी सी सही होगा इसमें। इरडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी स्टूडेंट्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में। थैंक यू।